सब्सक्राइब कीजिए क्रिप्टो किंग ऑफ इंडिया को और बेल आइकन को दबाइए क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है क्रिप्टो किंग ऑफ इंडिया में। और जैसा कि आप देख सकते हैं, बिटकॉइन बहुत तेजी से ड्रॉप हुआ है कल, और मैंने बता भी दिया था दोस्तों कि राइजिंग वेज बन रहा है और वो ब्रेक हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत बड़ा ड्रॉप देखने को मिला है, $6200 तक आ गया था बिटमैक्स में BTC का प्राइस। तो आज के वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे कि अब आगे बिटकॉइन कितना जा सकता है और कैसे हम उस पर ट्रेड कर सकते हैं। उसके साथ साथ दोस्तों मैं ईथर का एनालिसिस करूंगा और EOS कॉइन का भी करूंगा। तो ध्यान से इस वीडियो को देखते रहना ताकि आप भी ऐसे ही ट्रेडिंग कर पाए। दोस्तों इस वीडियो का एम रखते हैं 110 लाइक्स का, तो जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए और मैं देखना चाहता हूं आप लोग मुझे कितना सपोर्ट करते हैं। तो दोस्तों ये है BTC USD का चार्ट, बिटकॉइन विजडम की वेबसाइट है और अभी प्राइस चल रहा है $6400 के आसपास। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम एनालिसिस करेंगे कि आगे कितना जा सकता है। जैसा कि ये बड़ा ट्रायंगल जो है, ये मैं ऑलरेडी बहुत वीडियो से दिखा रहा हूँ आपको, आप पिछले वीडियोस में जाके देख भी सकते हैं। तो ये ट्रायंगल दोस्तों यहाँ पे रिजेक्ट होना ही था, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि यहाँ से ऊपर जाना पॉसिबल नहीं है। हो सकता है यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बना दे, एक डोजी बन जाए, एक हैमर बन जाए, इन्वर्टेड हैमर या फिर स्पिनिंग टॉप बन जाए और वहाँ से रिवर्सल हो जाए। लेकिन दोस्तों इस रेजिस्टेंस का तो वैल्यू था, तो आप देख सकते हैं कि 12 घंटे के चार्ट में हमको एक छोटा सा सिग्नल मिल गया था कि यहाँ पे सेल कर देना है, सेलर्स यहाँ पे सेल कर दिए। तो हमने यहाँ पे सेल कर दिया होता और अगर प्राइस नीचे आता इतना, तो हम कहीं भी अपना टेक प्रॉफिट लेके ट्रेड को क्लोज कर सकते थे। जरूरी नहीं है दोस्तों कि सब $6200 का इंतजार करें। हो सकता था $6200 धीरे धीरे आता, लेकिन कल तो तेजी से आ गया, आज सुबह इतना तेज से ड्रॉप हो गया BTC। लेकिन आप एटलीस्ट $6500 या फिर $6600 के आसपास भी अपना ट्रेड क्लोज कर सकते थे, जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में आपको सारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करके दिखा दिए थे। तो दोस्तों यहाँ पर रिजेक्शन मिला है इस ट्रायंगल के ऊपर से, और जहाँ तक अभी की बात करें तो ऊपर जाना अब पॉसिबल नहीं हो पाएगा दोस्तों। हो सकता है $6600 $6700 के आसपास तक BTC का प्राइस चले जाए, लेकिन फिर से वो नीचे आने की कोशिश करेगा। तो आपको ऐसे में दोस्तों ऑल्ट कॉइन्स में अभी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर इस ट्रायंगल से ऊपर की तरफ ब्रेक होता है तब ऑल्ट कॉइन्स में इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा। लेकिन दोस्तों अगर वो इस ट्रायंगल से नीचे की तरफ ब्रेक हो जाता है, अगर वो $6000 के बड़े सपोर्ट को तोड़ देता है और यहाँ पर होल्ड करके तोड़ता है, तो दोस्तों हम आराम से $5000 $4500 $4600 तक BTC के प्राइस को देख सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे में ऑल्ट कॉइन्स की अगर मैं बात करूं तो इथेरियम वगैरह आराम से आपको $140 के आसपास दिखेगा। तो दोस्तों ऐसे में अभी इन्वेस्टमेंट करना सही नहीं है। लेकिन आप ऐसा भी हो सकता है कि BTC का प्राइस अगर ऊपर जाता है तो इथेरियम हमको $270 में मिले, लेकिन वो $270 में दोस्तों कन्फर्मेशन वाला ट्रेड रहेगा, मतलब प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा, तो वो ज़्यादा सही है। ना कि आप इथेरियम नीचे गिर रहा है, आप $400 पे भी बाय कर रहे हैं, $500 पे भी बाय कर रहे हैं, 200 पे भी बाय कर रहे हैं और आधा होते जा रहा है, तो वैसा ट्रेडिंग नहीं होता है। इसलिए ट्रेड हमेशा थोड़ा कन्फर्मेशन वाला होना चाहिए, इसलिए आप थोड़ा देख के इन्वेस्टमेंट कीजिए ऑल्ट कॉइन्स में। तो दोस्तों BTC USD की बात इतनी कि बहुत बड़ा कैंडल आया है नीचे, और ऐसे बड़े कैंडल जब आते हैं तो तुरंत रिवर्सल नहीं हो पाता है। ज़रूर यहाँ पे प्राइस होल्ड करेगा दोस्तों, क्योंकि बहुत $1200 का ड्रॉप बहुत होता है। $1200 ड्रॉप होने के बाद $500 तो ऊपर जा सकता है एटलीस्ट, तो वो हम देखेंगे कि कितना लो लगाने के बाद बाउंस करता है। अगर हम नीचे की बात करें तो अभी भी 6150 तक आ सकता है प्राइस BTC का, तो देखेंगे दोस्तों वो आता है कि नहीं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मूविंग एवरेज से। जैसा कि देख सकते हैं 2 घंटे का चार्ट है और यहाँ पे सारे सपोर्ट को तोड़ दिया है BTC USD का चार्ट। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे एक सपोर्ट था 6850 का, वो टूटा एक ही कैंडल में। नेक्स्ट सपोर्ट आया $6600 का, और दोस्तों बिटफिनिक्स में $6300 गया है, लेकिन बिटमैक्स में तो 6183 के आसपास गया था, तो नीचे वाला जो था सपोर्ट वो भी टेस्ट हो गया है। तो दोस्तों उसमें सारे टारगेट हिट हो गए हैं, मतलब वहाँ पे हम बाय कर सकते हैं नीचे पे अगर आता है 6180 के आसपास या फिर $6200 के आसपास, और छोटा मोटा ट्रेड कर सकते हैं। एकदम आप इंतज़ार करेंगे बड़े प्रॉफिट का तो आपका फिर से स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो दोस्तों BTC USD में आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा सेलिंग प्रेशर है, कर्व अभी क्रॉस नहीं हुआ है मूविंग एवरेज का। लेकिन ये क्रॉस करने के लिए होगा क्या दोस्तों, यहाँ पे प्राइस थोड़ा होल्ड करेगा, होल्ड करने के बाद सपोर्ट को लेगा, एक बार और ले सकता है, वहाँ पे कुछ ट्रेडर बाय करेंगे, थोड़ा दिन होल्ड करने के बाद फिर से रेजिस्टेंस को टच करेगा $6600 के, वहाँ पे सेल करेंगे और धीरे से ये अगर नीचे आना होगा इस लाइन को ब्रेक करके
तब ये ब्रेक करेगा। ऐसे तुरंत तुरंत अगर कैंडल नीचे की तरफ आएंगे दोस्तों, तो वो बाइंग अपॉर्चुनिटी रहती है हमेशा। ऐसा ब्रेकआउट दोस्तों रियल नहीं होता है। अगर अभी तेजी से एक आ जाता है कैंडल नीचे की तरफ $6,000 या फिर $5,900 के आसपास, तो वहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी, ना कि आप वहाँ पे शॉर्ट सेलिंग करेंगे कि ये सपोर्ट टूट गया है। तो दोस्तों ये धीरे धीरे एक्सपीरियंस जैसे जैसे होता जाएगा वैसे वैसे समझ में आएगा, एकदम तुरंत सारी चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगी। तो दोस्तों अगर मैं इचीमोगू की बात करूँ, तो वन डे का चार्ट है, जैसा कि मैं बताया था पिछले वीडियोज़ में कि अगर इस क्लाउड के अंदर चले जाएगा तब वो बाइंग बनेगा और यहाँ $7,800 तक जा सकता है। लेकिन दोस्तों देख सकते हैं क्लाउड के अंदर प्राइस गया ही नहीं और वहीं से रिजेक्ट हो गया, जैसा आप देख सकते हैं जूम करके दिखा रहा हूँ मैं, तो यहाँ से एक बड़ा रिजेक्शन मिला और प्राइस नीचे की तरफ आ गया। फिर से दोस्तों टेंकन सेन के नीचे की तरफ आ गया है प्राइस। तो अभी क्या होगा, थोड़े दिन जैसे ही ये होल्ड करेगा प्राइस यहाँ पे, किजुन का रेजिस्टेंस धीरे धीरे कम होते होते $6,800 के आसपास आ जाएगा और धीरे धीरे कम होता रहेगा जैसे जैसे प्राइस यहाँ पे होल्ड करेगा। तो मतलब नेक्स्ट जो बाउंस होगा वो हमारा $6,600 $6,700 के आसपास तक हो सकता है, वहाँ पे एक बार फिर से हम सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे चलता है चार्ट, तो इस चार्ट को ध्यान में दीजिएगा। अगर मैं 4 घंटे की बात करूं दोस्तों, तो 4 घंटे का टेंकन सेन फिर से क्रॉस कर दिया है किजुन को और क्लाउड के नीचे आ गए हैं हम। तो दोस्तों क्लाउड के नीचे आना एक बहुत ही ज़्यादा बेरिश सिग्नल होता है अगर ऊपर से नीचे की तरफ हम आते हैं। प्राइस जरूर यहाँ पे होल्ड कर सकता है लेकिन चीज़ें बेरिश हो चुकी है, बहुत तेज़ी से ड्रॉप हुआ है, तो प्राइस और ज़्यादा ड्रॉप हो सकता है आने वाले दिनों में और बिल्कुल हम $5,000 देख सकते हैं अगर प्राइस ऐसे ही मूवमेंट करता रहा। और अगर ऊपर की बात करूं दोस्तों, तो अगर ऊपर जाना है बिटकॉइन के प्राइस को, तो $7,000 के रेजिस्टेंस को क्रॉस करना पड़ेगा, तब हम ऊपर का मूव देख सकते हैं। तो दोस्तों देखेंगे वो, अभी तो आप इसमें छोटा मोटा ट्रेड ले सकते हैं और प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब हम एनालिसिस करते हैं दोस्तों इथेरियम का। तो जैसा देख सकते हैं पिछले 3-4 वीडियोस से ये ट्रायंगल ड्रॉ करके दिखा रहा था, बेरिश पेनेंट के बारे में भी बताया था आपको और ये भी बताया था कि अगर बेरिश पेनेंट नीचे की तरफ ब्रेक होगा तो दोस्तों जितनी पेनेंट की हाइट होती है उतना जाता है प्राइस नीचे, या फिर जितनी ट्रायंगल की हाइट होती है उतना प्राइस नीचे की तरफ जाता है। तो अगर हम हाइट की बात करें तो यहाँ है $250 और ऊपर की बात करें तो $325, मतलब $75 की हाइट निकल रही है आसपास, एग्जैक्ट नहीं रहेगा कभी, इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे ट्रेड हुआ है हमारा $282 पे, ब्रेकआउट हुआ है, प्राइस गया है $210 तक, $72 आ गया नीचे, बस हमारा ट्रेड क्लोज हो गया। $75 का टारगेट था, $72 नीचे आ गया, $3 चलता है। हो सकता है इथेरियम का प्राइस $190 या फिर $200 भी आ जाए अभी कुछ दिनों में, लेकिन दोस्तों हमें ट्रेड क्लोज कर देना है अगर हमने इस ट्रायंगल को देख के, इस पेनेंट को देख के शॉर्ट मारा है। तो दोस्तों मैंने अपना ट्रेड क्लोज कर दिया है $215 के आसपास, तो उसके आसपास प्राइस आएगा तो आप अपना ट्रेड क्लोज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये पेनेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कई बार ऐसा भी होता है दोस्तों पेनेंट की जितनी लेंथ रहती है यहाँ पे उतना प्राइस जाता है। तो हम देखेंगे जैसे जैसे BTC ब्रेक करेगा $6,000 को, इथेरियम आराम से $190 आएगा और धीरे से जैसे ही $5,000 BTC आएगा, इथेरियम $140 पे आपको दिखेगा। तो दोस्तों ये तो थी इथेरियम की एनालिसिस। तो हमारा ट्रायंगल का टारगेट ऑलमोस्ट हिट हो गया है, तो वहाँ पे हमको अपना प्रॉफिट लेके बाहर हो जाना चाहिए ट्रेड से, ज़्यादा ग्रीड करना भी सही नहीं है। अगर आपका टेक्निकल एनालिसिस का जो टारगेट था वो हिट हो गया तो अपने ट्रेड से बाहर हो जाइए। अब हम एनालिसिस कर लेते हैं EOS का। तो जैसा कि EOS के चार्ट में भी आपको बता रहा था मैं इतने दिन से, ये ट्रायंगल कल ब्रेक हो गया $6.3 पे और हमने वहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड ले लिया, जैसा कि मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था। उसके बाद दोस्तों पहला टारगेट था वो था $5.84 का, दूसरा टारगेट था $5.4 का और तीसरा टारगेट है $4.6 के आसपास। मतलब EOS का दोस्तों 2 टेक प्रॉफिट हिट हो गया है, तीसरा टेक प्रॉफिट भी हिट हो सकता है $4.6 का। तो दोस्तों अगर आपने यहाँ पे टेक प्रॉफिट नहीं लिया है तो आप भी ले सकते हैं इसके आसपास या फिर नीचे आने का इंतज़ार कर सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ा मूव था तो अगर ज़्यादा प्रॉफिट आता है तो उसको हमें ले लेना चाहिए और उस प्रॉफिट को विड्रॉ कर लेना चाहिए ताकि हमारा ऐसे करके कैपिटल धीरे धीरे बढ़ता जाए। ज़्यादा इंतज़ार करेंगे दोस्तों तो फिर स्टॉप लॉस हिट होता है और फिर आपका जो प्रॉफिट आ रहा था वो भी लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। तो दोस्तों अगर 2 घंटे की चार्ट की बात करूं तो इतना तेज़ी से प्राइस नीचे की तरफ आया है कि मूविंग एवरेज दोस्तों क्रॉस भी सही से नहीं हो पाया है, जैसा कि आप देख सकते हैं क्रॉस भी नहीं हो पाया और प्राइस नीचे की तरफ आ गया है। तो यहाँ पे भी सेम होगा दोस्तों, प्राइस होल्ड करेगा और धीरे धीरे मूविंग एवरेज इसको क्रॉस करेगा। तो क्रॉस ओवर पे अलग ट्रेडर सेल करते हैं और पहले अलग सेल कर देते हैं चार्ट पैटर्न्स को देख के, तो अब देख सकते हैं इसलिए इतना तेज़ी भरा मूव आता है। कोई भी न्यूज़ का खेल नहीं है दोस्तों, न्यूज़ पे ध्यान मत दीजिएगा, बोलने वाले बोलेंगे न्यूज़ का खेल है लेकिन आपको न्यूज़ पे ध्यान नहीं देना है।
आपको सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस पे ध्यान देना है, क्योंकि न्यूज़ अगर आएगा दोस्तों तो सपोर्ट ब्रेक होगा ना, अगर प्राइस नीचे की तरफ जाना है, अगर बुरा न्यूज़ आया तो आपको तो सपोर्ट देख के ट्रेड लेना है। सपोर्ट ब्रेक हुआ आपने शॉर्ट का ट्रेड ले लिया, रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ आपने लॉन्ग का ट्रेड ले लिया, तो न्यूज़ से क्या मतलब है। और न्यूज़ आएगी तो आपको तो बिल्कुल पता नहीं चलने वाला है, न्यूज़ तो एक मिनट में आ जाती है, वो सारी न्यूज़ दोस्तों पहले पता चल जाता है, जब तक पोस्ट करते हैं दोस्तों आप रीड कब करते हैं तब तक तो सारी चीज़ हो जाती है। ऐसा तो नहीं है दोस्तों कि न्यूज़ सबसे पहले आपके पास पहुंचता है, बिल्कुल नहीं ऐसा। 10-12 घंटे तक तो सारा खेल खत्म हो जाता है, 10-12 घंटे तो बहुत बड़ा बोल रहा हूं दोस्तों, कुछ मिनट में खेल हो जाता है। तो न्यूज़ पे ट्रेड करना बंद कर दीजिए, टेक्निकल एनालिसिस को सीखिए और उस पे ट्रेड कीजिए, आप एक अच्छा प्रॉफिट कमा पाएंगे। तो दोस्तों ईओएस के चार्ट में आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख सकते हैं इस वीडियो के थ्रू कि कितना आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, प्राइस उसके बीच बीच मूव कर सकता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि यहाँ पे मैं लाता हूँ ट्रेडिंग से रिलेटेड रोज एक वीडियो। और अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैं वहाँ पे लेटेस्ट अपडेट देते रहता हूँ। लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकन।